नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन की। जब भी कभी एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटर्मिनेशन की बात मैक्रो इकोनॉमी में किया जाए तो आप समझिए कि दोनों में कोई क्लैश नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी को एक दूसरे से बदल सकते हैं। इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट होते हैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के आउटपुट बढ़ता है, इसलिए यहां पे दोनों इंटरचेंजेबल है। दोस्तों, जब मैं क्लासिकल की बात करूंगा तो आज मैं बात करूंगा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक्चुअली बताना क्या चाहते थे, उनकी थियरी क्या थी। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो मिल सके, सबसे हाई क्वालिटी का मटेरियल मिल सके। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि क्लासिकल शब्द का प्रयोग किया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का मानना था कि क्लासिकल का मतलब है डेविड रिकार्डो के पूर्ववर्ती, जिसमें एडम स्मिथ भी शामिल है। लेकिन जब किन्स आते हैं तो कहते हैं कि जो डेविड रिकार्डो के फॉलोअर्स हैं, जिसमें जो है मिल, मार्शल, पीगू आते हैं, ये क्लासिकल है। तो कुल मिला जुला के आप समझ रहे हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक विचारधारा दी और पूरे उस स्कूल को हम क्लासिकल कहते हैं। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल दो शब्द यूज किए जाते हैं। जब हम न्यू क्लासिकल कहते हैं तो उन्हीं अर्थशास्त्रियों को न्यू क्लासिकल कहते हैं जिसे किन्स ने क्लासिकल कहा था, मतलब मार्शल, पीगू और कैनन को। तो इसमें भी कोई आप लोग बिल्कुल क्लैश मत रखिएगा, कोई जो है दुविधा मत रखिएगा। तो दोस्तों, एक्चुअली ये कहना क्या चाहते थे, इनकी थ्योरी क्या थी? इन्होंने कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं दिया, इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, उन्हीं बातों को आधार बना के हम एक थ्योरी की रचना करते हैं, एक निर्माण करते हैं। तो इन्हीं बातों को आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं कि जो स्कूल ऑफ थॉट है वो एक्चुअली क्या बताना चाह रहा था, किस तरह का उनका जो है सोचने का थिंकिंग प्रोसेस था। सबसे पहले क्लासिकल ये मानते थे कि कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ एजम्पशंस हैं उनकी, लाइक एग्जाम्पल परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा, लेसर फेयर की पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट को अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, मार्केट बेस इकोनॉमी होना चाहिए, मार्केट सब कुछ कर लेगा, इंडिविजुअल हैंड है, पावरफुल हैंड है, वो सब कुछ कर लेता है, सेज कला जो है बिल्कुल यहां काम करता है, साथ ही साथ जो वेज प्राइस है वो फ्लेक्सिबल होंगे, मनी न्यूट्रल है। इन तमाम चीजों के आधार पर क्लासिकल ये स्टेब्लिश करते हैं कि लॉन्ग रन में एक्चुअली फुल एम्प्लॉयमेंट फेनोमेना होता है, मतलब इकोनॉमी में दीर्घकाल में आप देखेंगे तो पूरा रोजगार मिल ही जाता है। इसका मतलब अगर कभी इकोनॉमी में बेरोजगारी आ गई तो ये बेरोजगारी एक अनस्टेबल टाइप की होगी, ये बेरोजगारी क्षणिक होगी, टेम्पररी होगी और ऑटोमेटिक मार्केट इसको रिकरेक्ट कर लेगा और आप फुल एम्प्लॉयमेंट के फेनोमेना पे आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। एक्चुअली क्लासिकल के सेंस में, क्लासिकल के थ्योरी में जो पूरा का पूरा रोल है, जरा देखिए उनकी जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है वो पहले दिखाया है वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब ये है कि जो ये सप्लाई कर्व है इनका वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पे, जो रियल जीडीपी है उसके ऊपर खींचा गया है। इसका मतलब लॉन्ग रन में सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और इनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है उस प्रोडक्शन के बियॉन्ड जाके आप प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इस वाईएफ लेवल पे, जिसको मैं कह रहा हूं फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट रियल जीडीपी, इस लेवल पे सभी लोगों को रोजगार मिल गया है। इसका मतलब उत्पादन दिया हुआ है, उत्पादन को आप बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि फुल इंप्लॉयमेंट फेनोमेना है। अगर आप डिमांड यहां बढ़ा दें या घटा दें क्लासिकल इकोनॉमिक में, तो आप देखेंगे दोस्तों कि डिमांड बढ़ाने पे सिर्फ प्राइसेस चेंज होगा, सिर्फ प्राइसेज P1 से P2 हो जाएगी, किसी तरह का आउटपुट में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब लॉन्ग रन में जो है एक फुल इंप्लॉयमेंट फेनोमेना है, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रोजगार मिल ही जाता है। जब क्लासिकल फुल इंप्लॉयमेंट कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि वो लोग जो वर्तमान मजदूरी पे काम करना चाहते हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। इसका मतलब फुल इंप्लॉयमेंट के सिचुएशन में भी आपके सामने वॉलंटरी लोग या फिर स्ट्रक्चरल अनइंप्लॉयमेंट की चीजें बनी रहेगी। दोस्तों, जब क्लासिकल ये बता रहे हैं यहां पे कि इकोनॉमी की जो प्रवृत्ति है, नेचुरल उसकी टेंडेंसी है, वो फुल इंप्लॉयमेंट की है। अगर कहीं इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आता है, रिसेशन आता है,
तो ये चीजें अपने आप ही रीस्टोर कर जाएगी। मार्केट में वो पावर है कि चीजों को रीस्टोर कर दे। तो एक्चुअली किस आधार पे ये प्रूफ करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मार्केट में इतना पावर क्या है? इसके लिए उनके पास कौन से फैक्ट्स हैं, कौन सी एविडेंस है जिसके आधार पे वो यहां पहुंचते हैं? तो इस चीज को जो मैं बताने चल रहा हूं, बहुत ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक देखिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लासिकल विचारधारा को अच्छे से समझ लें, इसको अगर आप देखना चाहते हैं या फिर इसका फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि इनकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल वर्टिकल होगी। डिमांड बढ़ने पे आउटपुट में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइसेज बढ़ जाएगी। तो अब आइए दोस्तों, इनकी हम मेन इनकी थीसिस पे आते हैं, मेन इनके थॉट पे आते हैं कि एक्चुअली वो सोच क्या रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अगर आप बात करेंगे तो पूरी जो इकोनॉमी है वो क्लियरेंस की स्थिति में होती है, मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहती है। अब इनके अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमी है उसके तीन एक तरह से पार्ट है या कंपोनेंट है। एक तो लेबर मार्केट है, एक है लेबर मार्केट श्रम बाजार है, दूसरा जो है इनके यहां प्रोडक्ट मार्केट है, उत्पाद बाजार है, प्रोडक्ट मार्केट है, उत्पाद बाजार है, और तीसरा एक और भी मार्केट है वो है फाइनेंशियल मार्केट। तीन बाजारों की बात है। पहला है श्रम बाजार, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जो है मैंने कहा तीन भागों में बटा है। पहला श्रम बाजार में, दूसरा वस्तु बाजार में, और तीसरा वित्त बाजार में या फिर वित्तीय बाजार में। अगर ये तीन बाजार इक्विलिब्रियम में हो तो नो डाउट ये पूरी की पूरी इकोनॉमी भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यहां पे इक्विलिब्रियम से शब्द अलग यूज करते हैं क्लासिकल, क्लियरेंस शब्द की। क्लियरेंस का मतलब है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब ये पूरी इकोनॉमी कब क्लियरेंस या संस्थिति या फिर इक्विलिब्रियम में होगी? आखिर में ये पूरी इकोनॉमी कब संस्थिति में होगी, कब इक्विलिब्रियम में होगी? दोस्तों, ये पूरी इकोनॉमी तब क्लियरेंस में होगी जब लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम हो, प्रोडक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम हो और फाइनेंशियल मार्केट में इक्विलिब्रियम हो। अगर ये तीनों बाजारों में क्लियरेंस की स्थिति हो या फिर इक्विलिब्रियम की स्थिति हो तो अपने आप ही पूरी की पूरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो लेबर मार्केट श्रम बाजार का इक्विलिब्रियम का मतलब पहले आप समझिए, फिर प्रोडक्ट मार्केट की इक्विलिब्रियम का क्या मतलब ये समझिए, और फाइनेंशियल मार्केट की इक्विलिब्रियम का क्या मतलब ये समझिए। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में या क्लियरेंस में तब होगा कि जब लेबर की जितनी सप्लाई है उतनी लेबर की डिमांड हो जाए। अब जरा देखिए, मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में 1,00,000 लोग काम करने आते हैं और 1,00,000 लोगों को रोजगार मिल जाए, उनकी सप्लाई जो है उनके डिमांड के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब कोई लोग बेरोजगार नहीं होंगे, और बेरोजगार नहीं होंगे तो ना ओवर प्रोडक्शन ना अंडर प्रोडक्शन, तो ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मतलब लेबर मार्केट की इक्विलिब्रियम का मतलब जितनी श्रम की सप्लाई है उतनी श्रम की डिमांड है। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब जितनी प्रोडक्ट की सप्लाई है उतनी ही प्रोडक्ट की डिमांड है। गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी सप्लाई होगी अगर उतनी ही डिमांड हो जाए, जितने अर्थव्यवस्था में वस्तुएं और सेवाएं बने अगर उतना का डिमांड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियरेंस की स्थिति है, सारी चीजें जो क्लियर हो गई और आपकी इकोनॉमी भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। और यहां पे फाइनेंशियल मार्केट क्लियरेंस का मतलब है कि जितनी इकोनॉमी में सेविंग हो अगर वो सब का सब इन्वेस्टमेंट हो जाए तो फाइनेंशियल मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगा, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। क्लासिकल यही बात इस्टेब्लिशमेंट करते हैं कि लेबर मार्केट क्लियरेंस की स्थिति में होगा या संस्थिति में होगा या इक्विलिब्रियम में होगा, उसी तरह प्रोडक्ट मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगा और फाइनेंशियल मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो नो डाउट पूरी की पूरी इकोनॉमी भी इक्विलिब्रियम में होगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो टेम्पोररी होगा और उसे ऑटोमेटिक रीस्टोर कर लिया जाएगा मार्केट के द्वारा। देखिए, एक शब्द आप क्लासिकल जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एक शब्द बहुत ज्यादा सुनेंगे, मार्केट मैकेनिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी इन मार्केट मैकेनिज्म। इस जरा शब्द को समझिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन मार्केट मैकेनिज्म। हिंदी में इस शब्द के लिए, इसके लिए आप शब्द पढ़ते हैं बाजार यंत्रों की लोचशीलता। आइए इस चीज को समझिए, क्योंकि यही क्लासिकल का जान है, फ्लेक्सिबिलिटी इन मार्केट मैकेनिज्म। यहां जो मार्केट की जो यंत्र है वो तीन है,
पहला जो यंत्र है लेबर मार्केट में वो है दोस्तों वेज रेट। वेज रेट इसके लिए हम शब्द यूज कर रहे हैं W। जो प्रोडक्ट मार्केट में जो मार्केट मैकेनिज्म है जिसे बाजार यंत्र वो कहते हैं और जिसको फ्लेक्सिबल ये मानते हैं वो है प्राइस कीमतें P कीमतें। और जो फाइनेंशियल मार्केट में मार्केट मैकेनिज्म या बाजार यंत्र है वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ब्याज की दर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अगर वेज रेट प्राइसेज और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तीनों मार्केट मैकेनिज्म फ्री हो फ्लेक्सिबल हो इसके ऊपर किसी तरह का इंटरवेंशन ना हो तो ये खुद ही तीनों मार्केट को क्लियर कर देंगे। इसका मतलब अगर वेज को हम मानने की पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है तो ये वेज रेट में इतनी पावर है कि लेबर मार्केट को क्लियरेंस कर दे जितना लेबर सप्लाई हो सबकी डिमांड हो जाए। अगर प्राइसेस को हम फ्लेक्सिबल बना दे तो प्रोडक्ट मार्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी वो सबकी सब बिक जाएगी। और अगर फाइनेंशियल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फ्लेक्सिबल बना दें तो इसका मतलब है कि मार्केट अपना काम कर जाएगा और मार्केट में वो ऑटो करेक्शन की पावर है एक इंडिविजुअल हैंड है जो पूरे सिस्टम को क्लियरेंस में ला देगा। सारे लेबर आए सबको काम मिल गया जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने वो सब बिक गए और जितनी सेविंग हुई सब इन्वेस्टमेंट हो गए। तो अगर ये तीनों बाजार क्लियरेंस की स्थिति में है संस्थिति की स्थिति में तो नो डाउट आपकी जो पूरी इकोनॉमी है वो क्लियरेंस की स्थिति में आ जाएगी। और इसी आधार पे वो तर्क देते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नेचुरल फेनोमेना बनी रहेगी इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार की स्थिति होगा। और अगर कहीं डेविएशन होता है तो ये जो मार्केट मैकेनिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी है ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप जो है ऑटो करेक्ट कर लेगी इकोनॉमी को और इकोनॉमी फुल इंप्लायमेंट के सिचुएशन में आ जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई फिर वर्टिकल होगा और फिर आपके वहां कोई समस्या रहेगी नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा मार्केट सब कुछ ठीक कर देता है। तो दोस्तों यहां पे आप समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअली लेबर मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा या क्लियरेंस कैसे होगा फिर प्रोडक्ट मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम में होगा और फाइनेंशियल मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम में होगा। तो आइए मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि किस तरीके से वो ये बताते हैं कि लेबर मार्केट क्लियरेंस की स्थिति में होगा। देखिए लेबर मार्केट क्लियरेंस तब होगा जब वेज रेट फ्लेक्सिबल हो। लाइक एग्जाम्पल यहां पर आइए आप लोग मान लीजिए कि ये जो है लेबर की डिमांड है और ये जो है लेबर की सप्लाई है और एक्चुअली इनके अकॉर्डिंग लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई बोथ आर डिटरमाइंड बाय वेज रेट। ये दोनों जो है जो फंक्शन होते हैं वो वेज रेट के फंक्शन होते हैं। मतलब मजदूरी ही श्रम की मांग और मजदूरी ही श्रम के पूर्ति को निर्धारित करती है। अंतर सिर्फ ये है कि जो वेज है वो निगेटिव रिलेशन होता है लेबर डिमांड से और पॉजिटिव रूट से रिलेटेड होता है लेबर सप्लाई से। क्यों? अगर मजदूरी की दर ज्यादा है तो आप लेबर की डिमांड कम करेंगे और मजदूरी कम हो गई तो आप लेबर की डिमांड ज्यादा करेंगे हम लोग। और लेबर की सप्लाई जो लेबर करता है वो मजदूरी बढ़ने पर ज्यादा सप्लाई करेगा। इसलिए जो लेबर की डिमांड है वो मजदूरी से जो है निगेटिव रूप से और लेबर सप्लाई पॉजिटिव रूप से सम्मिलित है। अब देखिए मान लीजिए क्लासिकल में सिचुएशन ये आ गई कि जो लेबर की सप्लाई है वो ज्यादा हो गई। आप यहां देख रहे हैं कि लेबर की सप्लाई इस बिंदु पे ज्यादा है और लेबर की डिमांड कम है। मतलब ज्यादा लोग काम के तलाश में आ तो रहे हैं लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि डिमांड जो है लेबर की कम है। तो वो कहते हैं कि जो W है वो अपना काम करेगा और फिर वेज रेट ये नीचे आएगा जब तक ये सिचुएशन E पे ना पहुंच जाए। इसका मतलब जो वेज रेट है ये नीचे की तरफ आने लगेगा। इसी तरह दूसरी सिचुएशन में अगर मान लीजिए लेबर की डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो फिर वेज रेट ऊपर की तरफ आएगा और E पे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे क्लियरेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे। इस डायग्राम से आप समझ रहे हैं कि वेज रेट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई को एक बराबर कर देती है और लेबर मार्केट को जो क्लियरेंस लेके आती है वो वेज रेट है। अगर वेज रेट फ्लेक्सिबल हो इसका मतलब जब कभी बेरोजगारी हो तो वेज रेट अपने आप डाउन होगा और वेज रेट के डाउन होने की वजह से अपने आप लेबर की जो सप्लाई है वो लेबर की डिमांड के बराबर हो जाएगी। किंस इस बात के कटु आलोचक है वो कहते हैं कि जब वेज रेट घटेगा ना
तो फिर इकोनॉमिक एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो वेज रेट है वो लागत नहीं होती उत्पादन की, बल्कि लेबर के लिए डिमांड का भी काम करती है। लेकिन केस इस बात से तो सहमत नहीं है, लेकिन क्लासिकल का पूरा यह मानना है कि अगर वेज रेट फ्लेक्सिबल हो तो लेबर मार्केट में क्लियरेंस हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट मार्केट में अगर सेज लाभ मार्केट को मान लें और प्राइसेज को यहां पर मान लें, तो डिमांड और ये सप्लाई आप जो प्रोडक्ट है उसमें अगर किसी तरह की व्यवधान हुआ, अगर यहां पे देखिए इस सिचुएशन में मान लीजिए ये सिचुएशन है, आप ऊपर जाइए, ऊपर आप देख रहे हैं कि जो सप्लाई है ये प्राइस यहां पे है, यहां पे देखिए सप्लाई है ज्यादा है, डिमांड प्रोडक्ट की कम है, तो प्राइसेज घटेंगे और फिर पॉइंट पे आएंगे। दूसरे दिन पे अगर आइए यहां पर देखिए, अगर डिमांड आप देखिए ज्यादा है और सप्लाई कम है, यहां पर देखिए क्या है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्राइसेज गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आएंगे। इसका मतलब अगर प्राइस को हम फ्लेक्सिबल मान लें तो जितनी चीजें बनेगी वो सब सोल्ड आउट हो जाएगी। लाइक एग्जांपल, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत बन गए, जूते ज्यादा बन गए, चप्पल ज्यादा बन गए, कपड़े बन गए, एसी बन गए, पंखे बन गए, तो क्या करेगा मार्केट, प्राइसेस को डिक्लाइन करेगा, सेल कल्चर, चीजें सस्ती होती जाएंगी और आपके लिए सस्ता होगा, आप ज्यादा डिमांड करेंगे। तो अगर प्राइसेज फ्लेक्सिबल हो और सेज का लाभ मार्केट काम करे, सप्लाई क्रिएट इन ऑन डिमांड, तो नो डाउट आप देखेंगे मार्केट अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में देखिए दो चीजें हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो रियल सेक्टर से डिटरमाइन होता है, रियल वेरिएबल से। यहां देखिए ये है इन्वेस्टमेंट, ये है इन्वेस्टमेंट और ये अपवर्ड स्लोपिंग वाला है सेविंग, ये दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के फंक्शन है। अंतर सिर्फ ये है कि ब्याज दर निगेटिव रूप से संबंधित है रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो सेविंग है वो पॉजिटिव रूप से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ब्याज ज्यादा मिलता है तो हम सेविंग ज्यादा करने लगते हैं। देखिए सेविंग का ऊपर उठता हुआ है, इसका मतलब हमको ब्याज जितना ज्यादा दोगे हम सेविंग उतना, और जितना बैंक कम ब्याज देगी उतनी सेविंग कम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए उल्टा है, अगर हमको सस्ता लोन मिलेगा तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और महंगा लोन मिलेगा तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये कहते हैं कि अगर ये दोनों में बैलेंस है, अगर मान लीजिए सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो क्या होगा, अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है और ये सिचुएशन है तो अपने आप ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी और ये सिचुएशन ईपी अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। उल्टा अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है, यहां पे देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी और अपने आप जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगी। तो इकोनॉमी में हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है ये मार्केट मैकेनिज्म है और ये फ्लेक्सिबल है। कुल मिला जुला के बड़े सिंपल समझो में आप समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मार्केट मैकेनिज्म फ्री हो, वेज रेट फ्लेक्सिबल हो, प्राइसेज फ्लेक्सिबल हो और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लेक्सिबल हो, तो तीनों अगर ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल है और मार्केट अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट का इकोनॉमी में किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं है, लेसस फेयर है, तो आप देखेंगे कि इस संदर्भ में, इस सिचुएशन में पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्लियरेंस की स्थिति में होगी, संस्थिति की स्थिति में होगी। जितने गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, आपको मैं ये भी बता दूं कि क्लासिकल जो है सबसे पहले यह कहते हैं कि किसी इकोनॉमी की जो समृद्धि है वो डिटरमाइन होता है नेशनल इनकम के द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के द्वारा, सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं होता है। जैसा कि पहले के इकोनॉमिस्ट मानते थे वणिकवादी मर्केंटलिस्ट की इकोनॉमी का जो गुड्स एंड सर्विसेज से इंपॉर्टेंट सोना चांदी, लेकिन ये इस बात को खंडन करते हुए स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय आय गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह आपकी वास्तविक जो है संपत्ति होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी प्रोडक्शन होगी वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो सेज लाफ मार्केट, सेज कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इन ऑन डिमांड, जितने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी दोस्तों उतने बराबर इकोनॉमी में परचेजिंग पावर भी आ जाएगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। पिछला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि अगर 2400 रुपए का एक जूता बनता है तो 2400 रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाता है ये परचेजिंग पावर, तो डिमांड सप्लाई यहां पर बराबर हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेज है, प्राइसेज घट और बढ़ जा रही है, तो यह भी एक बेहतर रोल प्ले करेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होगी ऑटोमेटिक डिमांड के बराबर होगी। अगर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, हायर प्रोडक्शन हो गया, तो इसका मतलब प्राइसेज स्लो डाउन होंगे और चीजें अपने आप बिक जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइसेज की फ्लेक्सिबिलिटी और यहां पे वेज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीन ऐसे मार्केट इनके मैकेनिज्म है कि अगर ये तीनों मार्केट के हाथ में है तो मार्केट अपना काम पूरा करेगा, मार्केट क्लियरेंस के सिचुएशन में ला देगा। तो दोस्तों जो क्लासिकल मैंने पहले बताया, जो थिंकर्स थे वो कोई स्पेसिफिक थ्योरी की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ कुछ पोस्टुलेट्स है, उनकी कुछ बेसिक मान्यताएं हैं जिसके आधार पर हम
चीजों को ड्रॉ करते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो उनका सिंपल सी बात यही है कि लेसेस फेयर की बात होगी, पूरी की पूरी कैपिटलिज्म की बात है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगी, परफेक्ट इनका कंपटीशन होगा, मनी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मनी जो है सिर्फ जो है मॉनेटरी वेरिएबल को प्रभावित कर सकता है, मनी जो है कभी भी रियल सेक्टर को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब इकोनॉमी में आप मनी सप्लाई को बढ़ा दे तो मनी सप्लाई को बढ़ाने से आपके वहां इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो जाएगा, आपके पास नेशनल इनकम ज्यादा नहीं होगी। मनी सप्लाई बढ़ाने से सिर्फ ये होगा कि प्राइसेस ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ये जो प्रोडक्ट मार्केट या लेबर मार्केट को वो किसी तरह को प्रभाव नहीं डालता है। इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट अलहदा है, अलग है, प्रोडक्ट मार्केट बिल्कुल अलग और मनी मार्केट बिल्कुल अलग, ये एक दूसरे के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए इस बात को क्लासिकल डिक्टोमी या क्लासिकल डुअलिज्म कहा जाता है कि वो मानते हैं कि जो मॉनेटरी सेक्टर है वो रियल सेक्टर पे किसी तरह का इफेक्ट डालता नहीं है। अगर मॉनेटरी सेक्टर किसी तरह का रियल सेक्टर के इफेक्ट नहीं डालेगा तो आप ये बिल्कुल समझ रहे होंगे कि सिर्फ प्राइसेज ही प्रभावित कर सकता है, रियल वेरिएबल्स को नहीं। और इसकी कटु आलोचना किंस कहते हैं, उनका मानना है कि नो डाउट आप जो ये बात करते हैं कि दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रोडक्ट मार्केट रियल मार्केट को प्रभावित करता है और इसी तरह जो मनी मार्केट है वो रियल मार्केट को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये रहा क्लासिकल की विचारधारा, और क्लासिकल में उनका मानता था कि बेरोजगारी तब आएगी जब लेबर अपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि यहां जब हम लेबर डिमांड की बात करते हैं तो लेबर डिमांड कर्व ड्रा किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या लेबर के आधार पे। अगर श्रमिक अपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज्यादा मांग करें मजदूरी की तो यहां बेरोजगारी आएगी, लेकिन जो वेज रेट है वो अपना काम पूरी तरीके से करेगा, और अगर कहीं तरह की डिस्टरबेंस आती है तो वो अपने आप क्लियरेंस की सिचुएशन में डाल देगा। इसका मतलब लेबर मार्केट क्लियरेंस, प्रोडक्ट मार्केट क्लियरेंस, फाइनेंशियल मार्केट क्लियरेंस, अगर तीनों मार्केट क्लियरेंस है तो ये इसी निष्कर्ष पे फिर पहुंच जाएंगे कि जो एग्रीगेट सप्लाई होगी ये वाईएफ पे बनी रहेगी, और किसी तरह का इसमें डेविएशन अगर होगा तो अपने आप रिकरेक्ट होगा और एग्रीगेट डिमांड इसमें कोई रोल नहीं प्ले करेगा इक्विलिब्रियम ई पे। अगर डिमांड आप बढ़ा भी दोगे तो सिर्फ प्राइसेज बढ़ेगा, ना तो आउटपुट बढ़ने वाला है और ना ही यहां पे रोजगार बढ़ने वाला है, सिर्फ प्राइसेज पीवन से पीटू हो जाएगी। तो ये जो है क्लासिकल कंक्लूजन है कि इकोनॉमी में जो फुल इंप्लॉयमेंट है, वाईएफ आउटपुट, रियल आउटपुट, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। इसमें किसी तरह का अगर व्यवधान आएगा, डिस्टर्बेंस होगा तो टेम्पररी होगा और मार्केट रिकरेक्ट ऑटो करेक्ट इस सिचुएशन को कर लेगा, यद्यप गवर्नमेंट को कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत किंस कहते हैं कि समस्या एग्रीगेट डिमांड की आएगी और गवर्नमेंट को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताऊंगा, किंस की बात भी करूंगा, और अभी मैं आपसे क्लासिकल कर रहा हूं। पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए। आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है तो अपने विल पावर को स्ट्रांग करिए और सबसे ज्यादा समय को रिस्पेक्ट करिए। आप समय को रिस्पेक्ट करेंगे, समय आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा पढ़ाई को एंजॉय करिए, बहुत मजा आता है, पढ़िए। पढ़ने में जितना आनंद आता है उतना आनंद किसी में आता ही नहीं है। बस पढ़िए और चीजों को समझिए, और उससे भी जरूरी है अपना खुद का नोट्स बनाइए। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को बहुत आगे करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।